हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एल्गोरिथम क्या होती है। देखो, एल्गोरिथम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक इंजीनियर बनने वाले हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कोडिंग के अंदर, अपनी प्रोसेस के अंदर वो एल्गोरिथम्स यूज करने वाले हो। तो एल्गोरिथम आप ऐसे समझो कि आप कोई भी प्रोसेस, कोई भी टास्क कर रहे हो, उसको करने के फिक्स स्टेप क्या है, यानी कि उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप लगेंगे, वो ही एल्गोरिथम बताता है। तो वी कैन से एल्गोरिथम इज ए इंग्लिश काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज बाय विच वी हैव सम लिस्ट ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंस टू अचीव द टास्क, ताकि वो टास्क अचीव हो सके। लिस्ट ऑफ स्टेप जो सिक्वेंस में है, दैट इज आर एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम को दो तरीके से कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज सूडो कोड, सेकेंड है फ्लो चार्ट। तो अपन देखते हैं सबसे पहले सूडो कोड कैसे करते हैं। सूडो कोड इंग्लिश लाइक वर्ड ही होते हैं, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेट देते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर डायग्राम बना बना के अपन चीज़ों को बताते हैं किस तरह से आपका डेटा फ्लो होने वाला है, लेकिन इस केस में अपन बताएंगे स्टेप्स के रूप में। दैट इज योर सूडो कोड, विच इज ए वे टू अचीव एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को अचीव करने के दो तरीके हैं, सूडो कोड के थ्रू एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, तो एल्गोरिथम ये जो डिटेल यहाँ पे लिखी है वो ही मैंने अभी आपको बताई, वो सब ये यहाँ पर। नाउ सबसे पहले अपन को समझना है रूल्स ऑफ सूडो कोड। सूडो कोड जब भी आप लिखोगे, कोई भी स्टेप लिखने जा रहे हो, तो उससे पहले एक एग्जांपल सेट लेते हैं। लेट सपोज, खासकर बॉयज के लिए ही है, ठीक है, बॉयज आपको चाय बनानी है। ठीक है, अब चाय बनाने के लिए प्रॉपर स्टेप क्या रहेंगे बताओ मुझे। सबसे पहले सर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ लिखा है स्टार्ट और स्टॉप, तो लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं एक कंटेनर लूंगा, ठीक है, जिसके अंदर वाटर को पुट करूंगा, मिल्क को पुट करूंगा, ओके। एक लूंगा मैं लाइट गैस लूंगा, जिसको ऑन करूंगा, उसके ऊपर कंटेनर रखूंगा, देन उसको बंद करूंगा। ठीक है, अब वेट करेंगे जब तक वो उबल नहीं जाए। चाय पत्ती जरूर डालना, भूल मत जाना। चाय पत्ती डालेंगे, शुगर डालेंगे, जब वो उफनने लगे तो गैस को ऑफ कर देंगे। ये लो भैया, आपकी चाय रेडी हो गई। नाउ फाइनली आपको लिखना है स्टॉप, यानी कि उस प्रोसेस को आपने जो भी इनपुट दिया, यानी कि दूध दिया, मिल्क दिया, गैस दिया, शुगर दिया, चाय पत्ती दी, और आउटपुट में क्या बन के निकला, एक चाय बन के निकली। चाय बन गई, अब उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा उस प्रोसेस को, यानी टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो तीन स्टेप्स एक तरह से मेजर है, स्टार्ट और उसके अंदर आउटपुट निकलना, देन उसको स्टॉप करना। तो यही स्टेप्स में ध्यान रखना है कि स्टार्ट और स्टॉप होना ही होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए। कि जैसे फाइव स्टेप में मैंने चाय बनाई है, आप हो सकता है आपने कुछ एक्स्ट्रा डाला, अदरक डाल दी, ठीक है, तो सिक्स स्टेप में हो गई वो, लेकिन फाइनाइट है नंबर से। ठीक है, मस्ट नॉट कंटेन लॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जब आप स्टेटमेंट लिखोगे तो लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। सेकेंड, मे कंटेन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लाइक अपन को एक्चुअल में एल्गोरिथम जब लिखेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ सकता है, तो उस केस में आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करना है। तो इस केस में एक बार यहाँ देखो, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज प्रोड्यूसेस आउटपुट एंड देन टर्मिनेट करो, जो मैंने आपको बताया। तो ये थी एल्गोरिथम, ये था उसका सूडो कोड, जिसके रूल्स। अब इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल सेट देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है सूडो कोड में, सिक्वेंशियल, यानी कि सिक्वेंशियल फॉर्म में, अभी बताऊंगा उसका क्या मीनिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर, दो नंबरों को ऐड करना है, जो नॉर्मली अपन मैथ में करते हैं, जैसे 5 + 4 = 9, उसको एल्गोरिथम फॉर्म में लिखना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप आप खुद बता दो क्या होगा, कि सर मैं सबसे पहले करूंगा स्टार्ट, ठीक है, नंबर वन सबसे पहले मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया। नंबर टू में क्या करना है, मेरे को टू नंबर चाहिए। अब कौन देगा, कंप्यूटर में आप लिखेंगे 5 एंड कंप्यूटर में लिखेंगे 4, तो आप क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। तो मैं करूंगा इनपुट, दो नंबर चाहिए, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं लूंगा वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो सपोज करो ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 4 है, और लेट सपोज कोई दूसरा नंबर भी आ जाए, इसमें 15 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, तो दो नंबर अपने इनपुट ले लिए। अब यूजर जो डालेगा वो डाल देगा उसके अंदर, ठीक है, तो वो पुट कर देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट। ठीक है, ए और बी, अब दोनों इनपुट आ गए, एक एक वैल्यू चल जाएगी ए में, तो यहाँ लिख देते, लेट सपोज मैंने ए में 5 डाल दिया और बी में 4 डाल दिया। ठीक है, अब मेरे को ऐड भी तो करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल लूंगा जिसमें इन दोनों इनपुट को जोड़ दूंगा, क्योंकि 5 + 4 = 9 होता है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू किसी एक नए वेरिएबल के अंदर जाएगा, तो मैं लिखूंगा c = a + b। फॉर एग्जाम्पल 5 था, 4 था,
ये वैल्यू चल जाएगी किसके अंदर, सी वेरिएबल के अंदर चल जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू एड होके फाइनल आउटपुट 9 यहाँ पे बन जाएगा। तो सी के अंदर वैल्यू क्या है 9। अब मेरे को यहाँ पे एल्गोरिथम लिखनी है ताकि मैं दो नंबर को एड कर दूं, कर दिया मैंने दो नंबर एड। अब मेरे को उसको स्क्रीन पे भी तो शो करना है ना, दिखाना है ना, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा शो, क्या शो करोगे, सी को शो करूंगा। तो यहाँ पे आ गया सी, राइट। अब मेरा स्टेप कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसमें मैंने क्या करा दो नंबर्स को इनपुट लिया, ठीक है, कोई कुछ भी नंबर हो सकता है, उनको ऐड किया, एंड उस नंबर को ऐड करने के बाद जिसमें वो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। फिफ्थ स्टेप आप बताओ क्या होगा, स्टार्ट किया तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड होता है पहला क्वेश्चन, ओके। तो हमने एक एल्गोरिथम लिख दी जिसके थ्रू अपन ने दो नंबर को एड कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमस्टेंस ऑफ दी सर्कल, सर्कल का सर्कमस्टेंस 2πr, ठीक है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, राइट, दोनों फॉर्मूला बताए, इसके अकॉर्डिंग क्या आप एल्गोरिथम लिख सकते हो, और पाई की वैल्यू बताए 3.14 होती है। तो अपन सब कुछ अपने पास, अब अपन को मात्र एल्गोरिथम लिखनी है। एक बार वीडियो को आप खुद पोज करो और करके देखो आपसे होता है, तो आई बिलीव आपने देख लिया होगा वीडियो करके, अब अपन खुद से करते आ जाओ, जिससे नहीं हुआ वो देख लो, कोई बात नहीं, सीखने की उम्र है, सीखेंगे दबा के सीखेंगे, एंड सबके सपने पूरे करेंगे, अपने परिवार के, खुद के, सबके सपने पूरे करेंगे अपन, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, सर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या है 2πr, ठीक है। अब पाई तो दोनों में आ रहा है और पाई का वैल्यू क्या है 3.14 समथिंग, ओके। तो अपन एक बार 3.14 ही ले रहे हैं ओनली, तो पाई का वैल्यू तो मुझे पता है, तो एक तो आर, आर कुछ भी हो सकता है, सर्किल कैसा भी हो सकता है, तो इनपुट में जाएगी आर, तो इनपुट ले लिया मैंने आर, ओके। थर्ड स्टेप, पाई का वैल्यू मुझे सेट करना पड़ेगा, तो सेट पाई को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज करना है एल्गोरिथम में, तो ये हो गया पाई इक्वल टू 3.14, पी आई लिख दिया मैंने पाई इक्वल टू 3.14, ये सेट कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ओके। तो एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ए से, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी दो बार आर है, मल्टीप्लाई बाय आर, ओके। फिफ्थ स्टेप, सर्कमस्टेंस ऐसे तो उसको सी से डिनोट कर रहा हूं मैं, सी वेरिएबल ले रहा हूं एक, सी टू मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, ओके। अब मेरे पास सी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास ए के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो लास्ट स्टेप क्या बचा, अब वैल्यू आ गई तो शो ही तो करना है, तो शो करूंगा मैं शो ए एंड सी, ओके। नाउ सारा काम हो गया, ये लो मैंने स्टेप कर दिया, स्टॉप कर दिया, ओके स्टॉप। अब अपना जो था इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हमें टेम्परेचर को सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, जिसमें फेरनहाइट इज गिवन, यानी कि फेरनहाइट दिया हुआ, यानी कि इनपुट में गया है फेरनहाइट, और सी का वैल्यू निकालना है, यानी सेल्सियस का वैल्यू निकालना है। तो इनपुट दे दिया मैंने एफ, स्टार्ट कर दिया, इनपुट दे दिया। अब सी एक वेरिएबल ले लिया जो सेल्सियस की वैल्यू रखेगा, जिसमें अपन को फॉर्मूला पता है एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो सी के अंदर वैल्यू आ गया, इसको शो कर दो, यहाँ पे स्टॉप कर दो। तो ये होते हैं कुछ एल्गोरिथम जिसके थ्रू अपन करते हैं। तो अपन ने केवल पहला टाइप देखा इसका, सिक्वेंशियल सूडो कोड। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सिलेक्टिव सूडो कोड। तो वीडियो को लाइक करो यार, और जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।